45, 46 और 47 आप तीन पेजों को करो। मैं आ रही हूँ 45 से स्टार्ट करो। तो अब बच्चे आ चुके हैं और देखे बच्चों को कपड़े चेंज करवाए, अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं इसी तरह ट्यूशन पढ़ाऊंगी। बच्चे भी आके तो हैरत में कि आज मम्मा को क्या हो गया, मम्मा ने कहा क्यों ऐसे कपड़े। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling it. Face on when I chase like that, yeah. Play so strong with a knife in the back. I swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, so you get right back. Searching for quickness in the sea of the time and shameless. I'ma see the endless. I don't wanna be one with a nameless. I'ma wake up with a mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want some memory. Yeah, don't want a life that is complacent or really boring. I just want a life that is worth every day and glory. Now अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज आप सब लोग देख के हैरान हो रहे होंगे कि आज इतना सारा मेकअप और इतनी मैं तैयार क्यों हुई हुई हूँ। तो क्या फिर से कोई पार्टी वार्टी है? वैसे नो, कोई पार्टी नहीं है, कहीं नहीं जा रहे, हम घर में ही हैं। तो पहले मैं बताती हूँ आप लोग को रेडी होने का रीज़न कि मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया था। तो मुझे किसी ने एज अ मॉडल मेकअप के लिए स्पॉन्सर किया था कि आप आए, हम आपका मेकअप करें। बट बात ये है कि मुझे बहुत सारे, जिस तरह सबकी व्लॉगिंग हो रही होती है ना, कि मेकअप के लिए इस पार्लर में जा रही है, इतना सारा मेकअप लगा रही, वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही, तो मुझे आती है ये सब बहुत आती है। क्योंकि जिन जिन सैलूनों में मैं जाती हूँ ना, मुझे आती है। बट ना, मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं देते कि बट ना जाओ, ये यहाँ तक अकेले किया है तो हम अकेले करना चाहते हैं। हालांकि इस्लामाबाद हम गए थे ना, तो वहाँ भी एक दो पहचान वाले वहाँ से भी आए थे। यहाँ तक कि बस अब मैं क्या बता दूँ, अपने मुँह से तो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग मानेंगे नहीं। बट आज आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही आम डे। तो पहले तो मैं बताती हूँ आप लोग को, तो ये जो पार्लर है फिजास ब्यूटी सैलून है। तो ये जिनके पास मैं जाती हूँ ना, इनकी मैं बहुत ही पुरानी कस्टमर हूँ। तो कस्टमर का अब तो फ्रेंड की तरह, बाकी उनका इखलाक और नेचर इतना अच्छा है ना कि पूछे ही मत। मैम नहीं है शायद, वो बहुत ही अच्छा है। तो बट उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो हस्बैंड ने मुझे यहाँ जाने की बात। अकेडमी है, उनका छोटा सा शूट था, उनकी अकेडमी, वो अकेडमी चलाती है माशाल्लाह से। इस पार्लर के बारे में सबको पता होगा, जुबली का मशहूर पार्लर है। एक तो है मेजबिन और एक ही फिजास, तो जुबली का मशहूर पार्लर है, इसके बारे में सब जानते होंगे। तो जहाँ से पार्टी के लिए भी सिस्टर्स वगैरह रेडी हुई थी, तो काफी ज्यादा लोग पूछ रहे थे हमारे वाले अपने, जिनको मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग कम बजट में मेकअप करवाना चाहते हैं ये वो, क्यों? मुझे पता है हमारे वाले लोग ऐसे ना, जो पूछने में ना उनको शर्म फील होती है, चीज अच्छी लग रही होती है बट पूछना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। ये उनको भी कह रही हूँ जो मुझे बेड कमेंट्स करते हैं। तो अगर आप जाएंगे ना और मेरा नाम लेंगे ना, तो आप लोग को शायद मेरे नाम से थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। तो बाकी देख सकते हैं आप लोग मेकअप। तो
तो ये इन्होंने खुद ने काशी से सीखा हुआ है, पता नहीं काशी काशी का आजकल तो हमारे यहाँ बहुत नाम है और वाकई में नाम होना भी चाहिए क्योंकि ब्रांड है। तो उन्होंने खुद ने भी काशी से सीखा हुआ, तो मुझे ये बस उन्होंने कहा था कि ये लहंगा पहन के आना, वरना तो पता है एक बार मैं ड्रेस पहन लेती हूँ दोबारा मुझे पहनने का मन भी नहीं कर रहा। तो मैंने वहीं पर शूट करवा के तो लहंगा मैंने उतार दिया और अब पहनने को मुझे दिल नहीं कर रहा। तो बट यही है कि मेकअप देखें आप लोग मेरा, मैं उनकी फरमाइश पर गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि कहते हैं कि आप आए हम आपका मेकअप करें, और आजकल तो यही चल रहा है टिकटॉक पे इसी तरह लोग। ये मैंने पार्टी में ड्रेस पहनी थी तो उन्होंने मुझे सी ड्रेस, ये ड्रेस काफ़ी आज भी मैं जब वहाँ ड्रेस पहन के गई ना तो सबों ने मुझे पूछा कि आपकी ड्रेस अच्छी है, आपने ड्रेस कहाँ से ली। तो मैंने पहले भी जैसे आप लोगों को बताया था कि ड्रेस हमने ली नहीं थी, ड्रेस हमने बनवाई थी हस्बैंड की चॉइस पे बनवाई थी, वो खुद ना हम हमारे जो कपड़े होते हैं ना बस उसके ना डिज़ाइन भी हम खुद करते हैं, उसे स्टिच भी हम खुद करते हैं, बट ये लहंगा तो मेरा टेलर ने स्टिच किया था। तो कुल मिला के बात ये थी कि हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा दिल होता है कि कोई मेकअप के लिए कहता है तो मैं कह रही होती कि जाऊँ ना, क्योंकि मेकअप का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है, मेकअप का किसको नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं उनको कह रही होती कि मैं जाऊँ, वो मुझे ना मना करते हैं फिर मैं नहीं जाती हूँ। तो आज के मुझे उन्होंने इतने प्यार से बुलाया और गई, और मैंने उनको कहा कि कभी दोबारा भी हो ना ऐसा, तो बट ये कि जब बाजी को मेकअप करना होगा ना तब मैं जाऊंगी। हालांकि जो एकेडमी में लड़कियां आ रही हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो लोग पैसे दे के मॉडल हायर्स कर रहे, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं लड़कियों से खुद ऑनर है पार्लर की हिना बाजी, और इनसे अच्छी खासी सलाम दुआ भी है, तो इसीलिए बस चली गई, वरना आज कोई नीड नहीं थी मुझे मेकअप करवाने की। आज का ना स्कूल डे वर्किंग डे, कोई नीड नहीं थी कहीं बाहर नहीं जाना, तो बस ऐसे ही मेकअप करवा लिया, तो बस करवा तो लिया। बस मुझे ये लहंगे से ज़्यादा ना पता है इस पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लहंगे पे पहना था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट एक चीज़ बस भी है तो वो भी आप देखिएगा, लहंगा मैंने पहना था बट ये बाइक पे आई हूँ ना तो बाइक पे पहन के आना मुनासिब नहीं था, बाइक पे ना लहंगा पहन के आना मुनासिब नहीं था, पता है क्यों हुआ ना, तो हम गाड़ी निकाल लेते, बट आज हस्बैंड का वर्किंग डे था, वो वर्किंग पे गए थे, जाते जाते मुझे छोड़ के गए थे और आते आते हम साथ में आ गए, तो ऐसे आई हूँ। तो बस हाँ मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा लग रहा है, पर ये ज्वेलरी वगैरह मुझे अच्छी नहीं लगती है। बट आप लोग पार्लर में जाएंगे, अच्छा बेस्ट पार्लर है, मेकअप की भी गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं करवाती रहती हूँ। वैसे रवल तो आप लोगों को पता है कि पार्लर का मेकअप नहीं करवाते, काशी से करवाया था और एक बार इनसे पहले करवाया था और एक बार अभी करवाया, मेरा टोटल 3-4 बार मेकअप हुआ है। तो बस आज उन्होंने कहा तो हालांकि मैं पूरी रात, पता है पूरी रात मैंने जग के ना हाथों में पैरों में मैंने मेहंदी लगाई, मेहंदी का तो काफ़ी ज़्यादा मुझे शौक है, तो मेहंदी लगाए पैर, मेरे दिल करता है कि बस भरे भरे रहे, तो मेहंदी लगाए पूरी रात जगी, उसके बाद सुबह सुबह गई। तो और ये ड्रेस तो वाकई मुझे ना इसी तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती है, चमक और यूं आप हालांकि लोग पता नहीं क्यों आप पहना पसंद नहीं करते, वो पता है इस तरह के हाफ स्लीव बाजू पहनने के लिए ना मेहनत भी कितनी करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, प्रॉपर ना फुल प्रॉपर जो कहे ना केयरिंग करनी पड़ती है, सफाई वगैरह का सब ख्याल रखना चाहिए होता है ये ड्रेस में। तो मेरे बाजू भी देख ले, अब तो थोड़ा सा कलर मेरा डल हो गया, वो इसलिए कि समंदर पे जाके किसी ने सच ही कहा था कि मुबारक बीच के पानी में मत नहाना, पर नहा के आई तो थोड़ा सा चेहरे का कलर भी डल हो गया, हाथों का भी डल हो गया। तो सोचा कि हर रोज़ ना मैं सादे सिंपल लुक बनाती हूँ, तो आज आप लोग के लिए थोड़ा, वैसे ही बहुत सारी शिकायत होती है ना कि आप तो ये करती हैं आप तो वो करती हैं, तो बनाया मेरा बस इसी के लिए था ये दिन। अब जो कि आप लोग से बात हो जाएगी, लोग ऑफ होगा तो अब पहनूंगी अबाया और बच्चों को लेने जाऊंगी, अभी तो खाना बनाना भी बाकी है। वैसे ना लोग कमेंट्स करके देखते हैं कि आप ऐसी बीवी हो, ऐसी वाइफ हो तो आपके हस्बैंड आपको कैसे छोड़ देते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, यार जब शादियां करोगे ना तब पता चलेगा, पता है हर चीज़ का ना एक टाइम होना चाहिए, चाहे बीवी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो चाहे खूबसूरत ना हो, लेकिन हर चीज़ की टाइमिंग होती है, रूटीन होती है, खाने बनाने का टाइम होता है, बातें करने का टाइम होता है, घूमने का टाइम होता है, और बस हर चीज़ का टाइम ही होता है आगे। तो जिन लेडी को जाना हो तो मुझसे आप लोग पार्लर का एड्रेस कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आप लोग की शिकायत होती है कि आप हमें आंसर नहीं देती, तो मैं आंसर कैसे दूँगा, बिल्कुल भी फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, तो आप लोग कमेंट्स करें, कमेंट्स में आप लोग को अगर मेकअप अच्छा लगा हो तो मैं आप लोग को एड्रेस दे सकती हूँ, वैसे मुझे पता है अच्छा लगेगा तो भी लोग भी बोलेंगे कि अच्छा लगा है, बट कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा और सबसे मेन बात मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा। तो एक बार फिर से बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके लिए गई। तो जिनको पूछना हो तो मुझे एड्रेस पूछ सकते हैं। तो आज के जी अच्छे दो मैं डायरी में करूँ, आप वही क्या मिला डायरी में टेस्ट हुआ था
फाइव 46, 47 ठीक है सीधा आप जब तक आप तीन फैच करो 45, 46 और 47 आप तीन पैसों को करो मैं आ रही हूँ 45 से स्टार्ट करो बच्चे स्कूल से आए अब बच्चे रो रहे इनको लग रहा है मम्मा कहीं पार्टी वार्टी में जा रही दोबारा से बर्थडे पार्टी हो रही तो ये मलिया कह रही मुझे न्यू ड्रेस पहनाओ देखो मम्मा मुझे पुराने कपड़े क्यों पहनाए मुझे ना न्यू ड्रेस फटाफट से काम बच्चों का कंप्लीट करो क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता ठीक है चलो बच्चों की ट्यूशन स्टार्ट है और बच्चों ने आके बच्चों को रोना स्टार्ट कर दिया कि हमने भी कपड़े सिर्फ एक बच्ची ने शीजा ने नहीं किया शीजा समझती है ना शीजा मेरी अच्छी बच्ची है ना शीजा इसके तीन पेज करने हैं क्या क्या 1 to 12, 1 to 30 दिखाओ हाँ सही है चलो ये कर लो मैं सारा सामान भर दूँ काम भी हो रहा और ट्यूशन भी हो रही है ये ज्वेलरी हटा दी जरा ज्वेलरी मुझे इतनी ना पसंद है ना बस क्या पूछे मत बस ये है कि गोल्ड की ज्वेलरी मुझे पसंद है।